नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन सरकार के अंगों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें व्यवस्थापिका को शामिल किया गया है, कार्यपालिका को शामिल किया गया है और न्यायपालिका को। तो कार्यपालिका, जो कि सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कार्यकारिणी, अंग्रेजी में जिसको अपन एग्जीक्यूटिव कहते हैं, सरकार का अंग है जो राज्य के शासन का अधिकार रखता है और उसकी जिम्मेदारी उठाता है। कार्यकारिणी कानून को कार्यान्वित करती है और उसे लागू भी करती है। भारतीय संविधान में भी ये बताया गया है कि जो कार्यपालिका है उसका एक अध्यक्ष होता है, जिसको हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। और जो संविधान की जितनी भी शक्तियाँ हैं कार्यपालिका से संबंधित, वो सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं और संविधान के अनुसार वे स्वयं, उनके साथ जितने भी अधिकारी होते हैं, उनके सहयोग से वो अपने सभी इन कार्यों को संपादित भी करता है। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति को कहा गया, यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामांकन अमेरिका का जो संविधान है उसके समान ही है, लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों की अगर हम बात करें तो वो सम्मान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक होता है, जबकि भारत के अंदर वास्तव में कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यकारिणी का प्रमुख दोनों राज्यों का प्रमुख और सरकार का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली है, उसके अंदर एक कैबिनेट मंत्री जो विधायिका को उत्तरदायी होता है वह सरकार का प्रमुख होता है, जबकि राज्य का प्रमुख आमतौर पर एक औपचारिक राजा अथवा राष्ट्रपति होता है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति है वो संसद और राज्यों के जो विधानमंडल हैं उनमें वो किसी का भी सदस्य नहीं होता है। जब वो चुनाव के अंदर अपने पद के लिए इलेक्शन लड़ता है, यदि निर्वाचन से पहले वह इसका सदस्य है तो निर्वाचित होने के बाद उसको पद है उसका समाप्त समझा जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं रिक्त समझा जाएगा। और राष्ट्रपति अपने पद की अवधि के दौरान अन्य कोई भी महत्वपूर्ण पद है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने एवं सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद और एक महान्यायवादी का पद है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। इसके साथ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को शामिल करते हैं, जिन्हें स्थायी कार्यपालिका के नाम से संबोधित किया जाता है तथा जिनको जनता द्वारा चुनकर या मनोनीत किया जाता है उसको हम अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो तरीका, निर्वाचक मंडल होता है जिसमें निर्वाचक मंडल के सदस्य संसद, जो भारत की संसद है उसके दोनों अंग लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। इसके साथ साथ भारत के जितने भी स्टेट हैं उनकी जो विधानसभा है उनके सदस्य भी इनमें शामिल होते हैं। ये सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। व्यवहार में स्थिति ये देखी जाती है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यूपी की विधानसभा सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम और अगर अरुणाचल की हम बात करें तो वहाँ की विधानसभा का सदस्य केवल कुछ हजार जनता का ही प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि वहाँ के जो स्टेट हैं उनकी जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। इस कारण वहाँ पे जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनके जो वोटर्स होते हैं उनकी संख्या कम होती है। उपयुक्त स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ये व्यवस्था भी की गई है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक जो सदस्य हैं उसके मत का मूल्य बराबर नहीं होता है, प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की जो संख्या है वो उनके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है। जैसे भारत का जो संघ है उसके कुछ राज्य से हमारा अभिप्राय यहाँ पे, जो बड़े स्टेट हैं
कि विधानसभाओं के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्य जो छोटे हैं या संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य हैं वो हैं कम संख्या का जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या का वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी बात अगर हम इसमें देखें सिद्धांत यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए जितने भी राज्यों की विधानसभा है उनके सभी सदस्य उनके मतों को उतने मतों द्वारा संसद सदस्यों द्वारा दिया जाना चाहिए और निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या है उसको भी संविधान के अंदर एक व्यवस्था की गई है, उस फार्मूले के द्वारा ही उन चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।